देखिए नोडल मेथड पे एक सवाल हम करवाए हैं, भले कई लोग मीटिंग अभी लेट से ये कह रहे हैं रिकॉर्ड, तो कुछ लोग का ये छूटा तो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल हम फिर से बता के आपको समझा दे रहे हैं। बहुत इजी तरीके से समझ लेना है, नोट नहीं लेना है एकदम। फाइंड करंट इन बीडी वायर, क्वेश्चन लिखिए फाइंड करंट इन बीडी वायर। रिकॉर्डिंग के भरोसे कोई नहीं रहेंगे कि हम चल जाते हैं रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर हमको ठीक नहीं है कि रिकॉर्डिंग अपलोड करें ना करें, बार बार करते हैं। फाइंड करंट इन बीडी वायर, अभी आप नोडल सीखने के बहुत नजदीक हैं और अभी आप गड़बड़ा गए, थोड़ा बहुत इधर ध्यान भटक गया तो गड़बड़ा जाइएगा। अभी कुछ नहीं सीखे हमको पता है, ये समझ में नहीं आया लेकिन सिखा देंगे नोडल आपको। फाइंड करंट इन बी डी वायर, ठीक है। सुनिए नोडल मेथड सिखाने जा रहे हैं, इसको आप कैसे बनाओगे? एक तो तरीका है किरचॉफ्स लॉ से करंट निकालोगे, आई वन निकालोगे, फिर दो लूप लोगे सोल्व करोगे, वो एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका नोडल मेथड, समझ लो कि शुरू से आप सीख रहे हो नोडल मेथड, नाम इसीलिए पड़ा नोडल मेथड क्योंकि हम नोड पे लगाते हैं जंक्शन पे, और किसी एक नोड किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं, रेफरेंस नोड कहते हैं उसको। किसी भी एक नोड का पोटेंशियल आप जीरो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका पोटेंशियल बी पॉइंट का ले लिए जीरो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बी का पोटेंशियल ले लिया जीरो, आप डी का भी ले सकते थे, आप कोई भी ऐसे जगह का नोड आपको जहां से यहाँ पे दो से अधिक वायर यही कनेक्ट हो रहा है या बी या तो डी, तो आप एक काम जीरो ले लीजिए दिक्कत, और किसी एक का पोटेंशियल आप एक्स अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपका क्वेश्चन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस पे हम काम करने वाले हैं अभी, तो क्वेश्चन अलग रहेगा, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अलग ले लेंगे आप, ठीक है। आप सुनिए, एक का जब जीरो लिए तो बाकी का वोल्टेज आपको पास चल जाएगा अपने आप, जैसे यहाँ का पोटेंशियल तो हम एक्स ले, एक्स वोल्ट, एक्स इज एक्स वोल्ट, आप एक्स का लाभ सॉल्व ले सकते हैं, ये सिंगल में ही ऐसे बनाया, उसमें भी आप देख सकते हो। अब यहाँ देखो x वोल्ट, यहाँ से तीन करंट निकलेगा, अब करंट किधर से उसका मतलब है आपको हमेशा करंट निकलते हुए दिखा, एक का नाम i1, एक का नाम i2, एक का नाम i3, बस तीन करंट, तीनों का सम कितना होगा जीरो, बहुत दिमाग से सोचना है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं i1 प्लस i2 प्लस i3, तीनों मिलकर कितना होने वाला है जीरो। चलिए I1 का वैल्यू बताना है, I1 का मतलब ये रेजिस्टेंस, जहाँ रेजिस्टेंस होगा जो करंट जा रहा है, यहाँ माइनस यहाँ का पोटेंशियल, करंट ऐसे जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, करंट का वैल्यू होता है V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R, तो बताइए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो I1 इज इक्वल टू, इधर तो X है माइनस, यहाँ रेजिस्टेंस की साइड का पोटेंशियल हमको पता है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ये 10 वोल्ट का है, तो जीरो छोटा से बड़ा जब भी जाते तो प्लस लिखते हैं, जीरो प्लस 10 यानी यहाँ का वोल्टेज जाएगा 10 वोल्ट। कैसे जाने, आप जानते ही हैं कि इधर ये बड़ा प्लेट ये छोटा प्लेट इन दोनों को घटाने पे 10 आना चाहिए, बड़ा प्लेट अगर 10 वोल्ट है छोटा प्लेट जीरो है तो 10 माइनस जीरो 10 ही ना आएगा। इसके लिए ट्रिक क्या दिए हैं आपको हम सीधे, जीरो से बढ़ रहा है छोटा से बढ़ा गया तो जीरो, छोटा से बढ़ गया तो प्लस कर दो और बड़ा छोटा गया तो माइनस कर दो, आया समझ में? तो ये 10 वोल्ट का हुआ, इसके अगल बगल x माइनस 10 पाई रेजिस्टेंस 2, करंट का वैल्यू होता है v बाय r, पोटेंशियल डिफरेंस बाय r, ठीक है, इसी आराम से प्लस i2 का वैल्यू बताइए,
I2 अब यहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस जा रहा है वहां देखिए, अच्छा यहाँ भी I2 जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे I2 को देखना है, तो I2 का अगल बगल ये दो साइड है करेक्ट, इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का, इधर का तो जीरो मान लिया, इधर का पोटेंशियल यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना वोल्ट एक्स बड़ा से छोटा गए तो क्या करेंगे माइनस, यानी यहाँ का वोल्टेज जाएगा एक्स माइनस 10, तभी तो इधर एक्स से एक्स माइनस 10 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा, चेक करके देख लो, सीधा सा बात है कि इधर इधर को माइनस करने पर ये 10 आना चाहिए, उसी के लिए हम ट्रिक दे दिए जल्दी से, यहाँ भाई यहाँ एक्स था बड़ा छोटा का एक्स माइनस 10 कर, तो अब बताओ 2 ओम के अगल बगल कितना होगा एक्स माइनस 10 माइनस 0 बाई में 2 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस प्लस I3 यहाँ का ही रेजिस्टेंस, यही I3 आगे बढ़ेगा, यही I3 आगे बढ़ेगा, यही I3, तो I3 यहाँ कहीं नहीं बता पाएंगे, यहाँ तो बता लेंगे, हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए माइनस, यहाँ का तो पता है ये 0, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे है x छोटा सा बड़ा गया तो करेंगे हम लोग प्लस, ये होगा x प्लस 20, तभी तो एक ये बड़ा वाला प्लेट x प्लस 20 में से x घटाएंगे तो 20 बचेगा, है ना, नॉर्मल सा मैथ है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से अगर ये x है तो छोटा सा बड़ा गया तो प्लस कर दिए, तो इसका क्या हो जाएगा I3 बताओ, x प्लस 20 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस बाय में 5 इक्वल टू 0 LCM 10 5x माइनस 50 प्लस 5x माइनस 50 बचे LCM होना है ना प्लस 2x प्लस 40 इक्वल टू 0 सॉल्व कर देंगे 5 5 10 12 12x माइनस 67 0 x इक्वल टू 5 x का वैल्यू कितना आ गया 5 अब आपसे हम किसी भी वायर में करंट पूछ दें मान लो BD वायर है तो BD वायर में तो I2 गया है तो I2 का वैल्यू कितना था I2 था x माइनस 10 बाई 2 यानी कि 5 माइनस 10 बाई 2 यानी कि माइनस 5 बाई 2 यानी BD वायर में करंट है 5 बाई 2 एम्पियर जिसका डायरेक्शन B से D के लॉन्ग है भले आप इधर से बनाया लेकिन आपका आंसर माइनस में है आसान नहीं तो बताओ किरचॉफ्स लॉ के बजाय ये सिर्फ एक लाइन में बनने वाला सवाल है इससे आप हर चीज बता सकोगे पोटेंशियल डिफरेंस से लेके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक वायर करंट तो क्या आपको नोडल मेथड आसान नहीं लगा नहीं लगा तो कोई बात नहीं दोबारा से पूछना है पूछो तो एक सवाल और हम देने वाले हैं आपको नोडल से अब वो आप बना के दिखाओगे नोडल का हर सवाल किरचॉफ से बन जाता है कोई दिक्कत नहीं नोडल से जल्दी बनता है और कुछ नहीं कभी कभी नोडल लगाना बेवकूफी होता है जब किरचॉफ से जल्दी बन जाता है नोडल क्यों लगा एक सवाल दे रहे हैं आज का अंतिम सवाल नोडल से बनाइएगा फाइंड करंट थ्रू बीडी वायर स्क्रीनशॉट ले लिए देखिए नोडल को लोग इंपॉर्टेंट नहीं मानते हुए तो 58 लोग हो गए जब से मीटिंग रिकॉर्ड की इसलिए मैग्नेटिज्म में तो मीटिंग रिकॉर्ड बन मैग्नेटिज्म का पहला नियम मीटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करे चाहे कुछ हो जाए अभी तो और हेक्टिक हेक्टिक चैप्टर आने वाला है ये सब तो बचकानी चैप्टर में आप निकल लिए रिकॉर्डिंग के में जरूरत नहीं पड़ा जरूरत पड़ेगा रिकॉर्डिंग में फिर भी नहीं करो देखो कुछ भी रहे क्या रहे कंट्रोल ठीक रहे वही कर पाएगा फिर आप कुछ लोगों के ज्यादा घर का प्रॉब्लम है नेटवर्क के इशू में तो फिर उनके लिए हमको रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा तो हम पर्सनली भेज देंगे फिर उनसे हम पूरा तरह से घर परिवार से बात करने के बाद यहाँ भाई सही में प्रॉब्लम है तो फाइंड करंट इन बी डी वायर सोच के बनाइएगा नोडल में घर नोडल प्रैक्टिस का चीज है क्या एग्जाम में नोडल मेथड बता सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं क्या ये वैलिड है बिल्कुल वैलिड है क्योंकि आपके टीचर्स भी क्लास में जाकर यही मेथड फॉलो कर रहे हैं किन्हीं के स्कूल में इस मेथड पे सवाल हुआ है तो वो हाथ उठाए देखिए अभी हाथ कितना उठेगा आप भाई हम देख लेंगे 15 वोल्ट 6 वोल्ट हाथ बंद रहिएगा ताकि आपको समझ मिल सके 6 वोल्ट ए बी सी
बीडी वायर में कितना करंट है? देखो चार लोगों के स्क्रीन में ऑलरेडी ये मेथड से हो चुका है सवाल, देखो निशान यानी हेल में ही हम जान लेते हेल कहीं बच्चे ज्यादा उठाएंगे प्रणव कुमार, देख रहे हो तुम लोग हेल कहीं हो सर लोग, तुम लोग को बता रहे नूडल से मतलब जान में आप यूज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपको बीडी वायर में करंट बताना है बाई नूडल मेथड बनाइए। तो अंतिम सवाल है आज का, हाँ विशाखा कुछ अलग है बनाइए नोडल मेथड से सवाल। और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए हिंट, किसी एक जगह का वोल्टेज जीरो मान लो, इस बार हम बी का जीरो मानते हैं समझने के लिए, तो बी का कितना मान लेंगे हम लोग एक्स, बी से तीन करंट निकाल देंगे I1, I2, I3 हो गया I1, I2, I3 इक्वल टू जीरो होगा ना, चेक करते हैं। एक दो प्रैक्टिस के बाद आपको ये लग लिया कि कॉम्पिटिटिव वे में कंपटीशन में जल्दी बनाने के लिए कितना अच्छा मिलता है। आई टू का वैल्यू अगर लिखना चाहे आई टू इधर जा रहा है, इधर एक्स इधर जीरो, आई टू तो सीधे लिखा गया एक्स माइनस जीरो बाई थ्री, आई वन का वैल्यू इधर जा रहा है, इधर तो एक्स है एक्स माइनस, यहाँ पर का वोल्टेज लिखना है ये जीरो मतलब वही बार ये जीरो जीरो छोटा सा बड़ा गया तो प्लस करना है, यानी यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस पंद्रह, यानी ये 15 वोल्ट यानी x माइनस 15 बाई 6, आई थ्री का वैल्यू x ये 0 छोटा से बड़ा यानी ये 0 प्लस 30 कम है, 30 माइनस 0 30 बचेगा है ना, यानी कि हो जाएगा आई थ्री का वैल्यू x माइनस 30 बाई 6, इतना इजी है खत्म। लो एलसीएम 6 x माइनस 15 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 16, हमको खुद में विश्वास चढ़ा कितना आसान है, 5x माइनस 75 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 75/5, 15 आ गया x का वैल्यू। अब आपसे i2 का वैल्यू पूछा है, देयरफॉर i2 इक्वल टू x बाय 3, ये यानी कि 15/3 यानी कि 5। बताओ इससे आसान था क्या किरचॉफ, इतना जल्दी बना लो किरचॉफ से, दो लूप लोगे तब सॉल्व होगा, किरचॉफ आसान नहीं है इसकी तुलना में, हर जगह नोडल नहीं लगेगा लेकिन नोडल जहाँ आसानी से लगता है लगा लीजिए। और सुनिए कैपेसिटर में भी एक टाइप का सवाल हमसे कई लोग पूछे थे उधर जो नहीं बन रहा था, उसमें भी नोडल लगा के बना सकते हैं, उस समय बोले थे कि नहीं बताएंगे, बहुत सवाल आपका इग्नोर मार दिए थे कैपेसिटर में, तो नोडल का सवाल आप बना सकते हैं, देख लीजिए है ना सा नोडल। तो आपका होमवर्क में क्या करना है, आपको नोडल से क्वेश्चन ट्राई करना है कुछ, हम फिर अगर मौका लगा कल तो स्टार डेल्टा भी सिखा देंगे मन किया तो, अदरवाइज नहीं सिखाएंगे। अब अगले दिन हम आपको सिखाने वाले हैं थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर रेजिस्टर का मिला के कंबिनेशन, ठीक है। तो ये हमें मिलेंगे अगले दिन, आज के लिए इतना ही रहेगा, दो क्लास मैक्सिमम बोल रहे हैं, अगले क्लास दो क्लास के बीच प्लीज़ आप भी अपना पेमेंट कम्प्लीट कर दें और प्लस आपका मैट्रिज्म चालू हो जाएगा तो नए तरीके से पढ़ेंगे, समय नहीं मिल रहा है तो एक्टिव ग्रुप में आपको हम बांटेंगे, उस ग्रुप में ही हम लोग एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, एक्टिव नहीं है क्या रखना, ठीक है।